नगर निगम और तहसील की संयुक्त टीमों ने मंगल पड़ाव क्षेत्र में 1 जुलाई से बंद हुए सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बने अन्य सामानों की चेकिंग के लिए सब्जी मंडी और बड़ी मंडी में स्थित दुकानों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्लास्टिक का व्यापार करने वाले कुछ व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों से बैन हुआ प्लास्टिक और उससे बना सामान पहले ही हटा दिया था, लेकिन कुछ दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी बिकता हुआ मिला, जिसे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कब्जे में लेकर सील कर दिया। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि आज चेकिंग के दौरान लगभग 1 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा गया है, जिसको जांच के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ही चालान की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने नगर के सभी होलसेल रिटेल आउटलेट छोटे बड़े व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, कोई भी व्यापारी कोई भी सामान प्लास्टिक की थैली में ना दे। आज हम यहाँ पर व्यापारियों के साथ बैठक करने की बात 3 तारीख को सिलेक्ट हो गए हैं और गोदामों की जांच कर रहे हैं। पहले हम बड़े गोदामों को होलसेलर्स की जांच, इसमें आज करीब 1 क्विंटल माल हमने पकड़ा है जो हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्रतिबंधित श्रेणी में है। जब कुछ पैकेट पर बायोडिग्रेडेबल लिखा हुआ फिर भी हमने उनको जब्त किया है। हमने उनको जो हमारे होलसेलर्स हैं उनको मौका भी देंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो प्रतिनिधि उनके साथ परीक्षण कराएंगे, उसके बाद हम जुर्माने करेंगे। फिर भी मेरी सभी व्यापारियों से, होलसेल जो विक्रेता उनसे भी, जो रिटेल में फल सब्जी का बेचने का काम करते हैं, पैकिंग का बेचने का काम करते हैं, जो भी व्यापारी हैं जो पैकिंग के लिए प्लास्टिक की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन है, उसका न करें, खरीद बिक्री न करें, उसमें सामान बेचने का काम न करें। खास करके मैं रेस्टोरेंट के मालिकों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे बैंकेट हॉल के स्वामी उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्लास्टिक के सामान का उपयोग न करें।